एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद हापुड़ के ब्लॉक सिंभावली में स्थित नवादा कला गांव पड़ा। लगभग 3000 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 4 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान मनोज कुमार हैं। लगभग 1300 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी विद्यालय में लगभग 58 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो विद्यालय में शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो गांव में पेयजल आपूर्ति दुरुस्त करने के लिए 16 हैंडपंप लगवाए गए हैं व विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 75 विद्युत पोल, 8 विद्युत ट्रांसफार्मर व 16 लाइटें भी लगवाई गई हैं। इसी के साथ वर्तमान में प्रधान द्वारा गांव में खड़ंजे, सीसीटाइल रोड, स्कूल में मरम्मत कार्य, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास भी बनवाए गए हैं। वहीं वर्तमान ग्राम प्रधान ने एबीपीएस न्यूज के माध्यम से गांव में शमशान घाट, पंचायत घर, प्राइमरी विद्यालय, पानी के लिए नाला, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 40 आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मेरा नाम मनोज कुमार, ग्राम प्रधान हूँ, ग्राम नवादा कला पोस्ट सिंभावली ब्लॉक सिंभावली का रहने वाला हूँ। मेरे गांव में कुछ विकास तो बहुत ज़्यादा हो रहा है पर लेकिन पैसे का अभाव है। हमारे गांव में एक नाला नहीं है जो कि पानी नहर के अंदर जाता है, जो कि पानी नहर के अंदर नहीं जाना चाहिए। पुल के पास एक तालाब है जो सूखा पड़ा है, उसमें कभी भी पानी आज तक गांव का नहीं गया, जो कि सरकार की योजना की हर तालाब के अंदर पानी होना ज़रूरी है। वो पानी सीधा नहर के अंदर जाता है, आने वाले समय में नहर भी उसे बंद कर सकती है। दूसरी ये है कि हमारे गाँव में शुरू में ही मंदिर के पास में एक तालाब है, मेरे सामने तो कभी उसकी आज तक सफाई हुई नहीं ग्राम पंचायत से, वो ऐसे ही बंद है। कई बार कोशिश की, मैं तो पूरा कोशिश करता रहता हूँ, शायद अब का हो भी जाए। और हमारे गांव में शमशान घाट नहीं है, रात को 12-12 बजे लोग उधर से अंतिम संस्कार करने के लिए आते हैं ब्रज घाट से, कई बार एक्सीडेंट का खतरा है, किसी पर सवारी नहीं है, कोई गरीब है, कोई कैसा है, वहाँ जाने में 8-10 हज़ार रुपये गरीब का खर्च हो जाता है। तो शमशान घाट की भूमि तो है बिल्कुल, पर लेकिन आज तक वो नहीं बनी है। पहले किसी ने लिख के दिया नहीं दिया, पर मैं तो इसका निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। हमारे गांव में आज तक पंचायत घर नहीं है, बारात घर नहीं है। अब जब इसकी समस्या आई तो मुझे गांव वालों ने सहयोग दिया। एक थोड़ी सी LMC की ज़मीन थी स्कूल के बाहर, जहाँ गंदगी, कूड़े, बिटोड़े ये चीज़ रहती थी, मैंने उन लोगों की बुराई भी ली तो गांव का सहयोग मिला। गांव ने ही चंदा इकट्ठा करके वहां भराव करा दिया है, अपने पैसे से गांव मेरा साथ दे रहा है और बारात घर की जो नींव भरी जा चुकी है। तो मैं तो यही हूं कहता हूं कि सहयोग पूरा मिल रहा है पर थोड़ा पैसे का अभाव है इसमें। और नालियों में आज तक कहीं गंदगी है, कहीं नाली पूरे गाँव में नहीं है, ऐसी नाली कहीं नेड़ी है, कहीं छोटी है, कहीं कैसा है। सरकारी अस्पताल की भी हालत ऐसी है जो कि बहुत दिन से बना हुआ है, फर्श टूट गया है, मतलब समस्या बहुत ज़्यादा है। मैं तो अपने इस गांव को अपना परिवार ही मानता हूँ और मैं तो सरकार से ये करता हूँ, मैं तो इस सरकार के आगे अपनी भीख मांगता हूँ। जितना मुझे गांव को मिल जाए मैं तो 60% लगाने के लिए तैयार हूँ इसमें। और गांव में कोई भी मेरे बारे में पूछ सकता है, कहीं भी जाकर जैसी बुराई है, मैं तो अपनी बुराई सुनने के लिए भी तैयार हूँ। मुझे कोई अपनी बुराई सुनने में दिक्कत बिल्कुल नहीं है, मैं तो वजूद से ज़्यादा लड़ने के लिए तैयार रहता हूँ गांव के लिए। हमारे ग्राम नवादा कला में जो मनोज कुमार प्रधान जी हैं, मनोज जिसका, उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया, शायद किसी गांव में ना हो पाया हो। 2 साल के अंदर इतना इतनी प्रगति में जो हमारे गांव में काम हुआ है, शायद किसी गांव में ना हो पाया हो और आगे तक उम्मीद है शायद ना भी हो पाए। मेरा नाम है प्रदीप कुमार जी, आदि का नाम मामी ब्लॉक तहसील गढ़ते थाना कुमार ग्राम नवादा कला बढ़िया विकास कार्य हो रहे हैं हमारे यहाँ के प्रधान जी, बहुत ही बढ़िया काम करवा रहे हैं, बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं।